सस्टेनेबल एनर्जी के लिए भिलाई स्टील प्लांट में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग फ्लोरिंग सोलर पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है मरोदा जलाशय में पानी की सतह के ऊपर लगने वाले इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की आधारशिला कार्यक्रम में एनएसपीसी के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार और भिलाई इस्पात संयंत्र सेल के निदेशक इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद थे एनटीपीसी के सहयोग से यह पावर प्लांट 109 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा आधारशिला कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा में अनिर्मान दास गुप्ता ने बताया कि इसके लग जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र की कोयले पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह उपयोगी साबित होगा उनको अभी ग्रीन एनर्जी मिलेगा पावर मिलेगा और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है अभी पंद्रह मेगावाट से शुरू किए आगे और योजनाएं हैं हमारे है मरोदा वन में भी और फिर मरोदा टू में भी ताकि काफी सतह हम ये सोलर पावर प्लांट लगाने में इसका इस्तेमाल करें और जैसे कि फ़ायदा हमको ये भी दिख रहा है कि हमको पानी का जो एवेपोरेशन लॉस है उसको कम करना है तो इससे यह भी कम होता है क्योंकि ऊपर एक सतह के ऊपर कवर बन जाता है और इसके साथ भी ऊर्जा पैदा होती है जो कि हमारे और स्टील प्लांट आप जानते हैं कि काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है आ, पावर की तो इसमें ये काफ़ी सहायता करेगी और ताकि हम कोयले पे जो हमारा अभी जो निर्भरता है उसे कम कर दें और हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जिसकी क्या बहुत ज़रूरत है आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए और हमारी भारत सरकार की नीति भी है उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं वही एनएसपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि ग्रीन एनर्जी के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की विशेष उपयोगिता है और यह पानी के वाष्पीकरण को भी रोकेगा पहली बार ये पंद्रह मेगावाट का प्लांट लग रहा है और ये फ्लोटिंग सोलर है उम्मीद है कि इसके रिक्वायरमेंट अच्छा खासा पूरा करेगा बंदमर ग्रीन पावर है इसके स्टील प्लांट को भी काफ़ी फायदा होगा क्या विशेषता है इसे? इसकी विशेषता है कि ये सबसे पहले कोई जगह नहीं लेता आपके पानी भी लगा हुआ है और पानी के ऊपर आराम से बिना कुछ बाधा किए दूसरे को आराम से बिजली देता रहेगा सबसे बड़ा फायदा यही है आपका पानी का ऑपरेशन लॉस कम हो जाएगा और बिजली का बिजली बनेगा आपको दैट इज़ ए ग्रीन पावर कार्यक्रम में मौजूद पावर फैसिलिटी सेल के मुख्य महाप्रबंधक राजीव पांडे ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की उपयोगिता के बारे में जानकारी जा रहे हैं यहाँ पर हमारी फोकस रही है हमेशा कि हम जितनी जो है हमारा, कोल बेस्ड पावर जनरेशन को हम कम करें और रिन्यूएबल सोर्सेज से बेस्ड जो पावर जनरेशन है उसको हम लोग प्रोत्साहन दे उसको आगे बढ़ाएं हम लोग तो उस उसी ऑब्जेक्टिव से हम लोग ये आगे बढ़े हैं और ये पंद्रह मेगावाट के सोलर प्लांट हम लोग बैठा रहे हैं कार्यक्रम में भिलाई इस पास संयंत्र तथा एनएसपीसीएल के अनेक आला अधिकारी विशेष रूप से मौजूद थे